मुंह ऐसे घुमाते हैं कॉपियां छीन लेता है। अब बताइए आप क्या सब लिखे एग्जाम में, बताइए। 30-40 आ जाएगा। अरे पास तो हो जाएंगे ना। अरे एकदम बिहारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश कुमार। आप जो हमारे पीछे अभी देख रहे हैं ये कहीं और का नहीं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का व्यू है। अभी हम लोग का सीनियर्स का एग्जाम चल रहा है, तो आज हम लोग जानेंगे कि एग्जाम का क्या रिव्यू है। हमारे यहाँ पे सीनियर्स का थर्ड और फिफ्थ सेम का एग्जाम चल रहा है, जो कि जिसका सेंटर है होम सेंटर नहीं पड़ा हुआ है, श्री फणीश्वरनाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय अररिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, परीक्षा में नकल करना एक दंडनीय अपराध है एवं नकल करते हुए पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों अब पूछते हैं जो एग्ज़ाम देके निकलेंगे उनका क्या रिव्यू है। हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा सर, कैसा रहा सर एग्ज़ाम आपका, बताइए कुछ एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ठीक रहा। किस टाइप का क्वेश्चन था पिछले बार से और इस बार से, किस टाइप का क्वेश्चन था? मिनिमाइज था। कितना नंबर का बना के आए हैं? बना के एग्जैक्टली वैसे तो ठीक ठाक आ जाएगा। सर आपका एग्ज़ाम कैसा गया सर? बढ़िया गया। किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था आपका आज? एनालिसिस एंड डिजाइनिंग का। किस टाइप का क्वेश्चन आया पहले, पिछले साल के और इस साल से क्या अंतर है? अंतर तो है, बहुत अंतर है। आपको पहले एक यू था, अभी बी यू है जी। बेस्ट कौन था? बेस्ट तो वही था, यहाँ पे टाइट एग्ज़ाम लिया जा रहा है। बहुत टाइट एग्ज़ाम लिया। चीट उट का कोई? नहीं, वो सब तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं, जो अपना नॉलेज है उसी से एग्ज़ाम दीजिए। तो आप कितना नंबर का ही बना के आए हैं, कितना गेस करते हैं आपको मिल जाए? कितना? बस पास मार्क्स यहाँ मिल जाए तो वही काफ़ी है। पास मार्क्स मिल जाए काफ़ी है जी। धन्यवाद सर। अभी आपका एग्ज़ाम था सर, कैसा गया सर एग्ज़ाम आपका? एक नंबर गया। किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है पहले से, पिछले साल से और इस साल से? प्रीवियस ईयर नहीं पूछता और कुछ खास नहीं, एक यू में पहले थोड़ा टफ रहता था क्वेश्चन, अब बी यू के अंदर आने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा स्टूडेंट के लायक हुआ है। चीट चला था कि नहीं चला था? बिल्कुल नहीं चीट नहीं चला, बिल्कुल नहीं। मैक्रो खोलने का कोई टाइम नहीं मिला? चांस नहीं है, चांस नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइट सेंटर है पूरा, कोई उसका कोई गुंजाइश नहीं। कहते हैं इंजीनियर बोलता है कि इंजीनियर सुनने में आता, इंजीनियर एक रात का पढ़ाई से ही पास करता, क्या आपका 6 महीना का मेहनत था या एक दिन का? एक दिन का था मेरा, मेरा ही कल रात का था, सारा प्रीवियस ईयर देखा गया, आज सुबह वही आ गया क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ही था क्या? प्रीवियस ईयर थोड़ा बहुत इधर उधर से था, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था। अगर कोई प्रीवियस ईयर भी देख के पूरा जाता है तो 100% वो पास कर जाएगा, 100% पास कर सकता है। पास तो हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। कैसा एग्जाम गया आपका? एग्जाम तो बड़ा फाड़ू गया, बहुत फाड़ू गया। लगता है यूपीएससी एग्जाम देने से इतना टाइट ले रहा, लगता है बिहार में इंजीनियर तगड़ा बना के छोड़ेगा नीतीश कुमार। अच्छा था, थोड़ा मेरा चीट उट कर ले, सुनने में आया था कि बहुत हार्ड एग्जाम था। चीट पूरा हार्ड, कोनो मुंह ऐसे घुमाते हैं कॉपियां छीन लेता है। चीट करने कोई कोनो बातें ना है, लगता है यूपीएससी दे रहे हैं, साला आईएएस बन जाएंगे। वैसे आप कितना नंबर का बनाए हैं अभी? अभी तो फिलहाल 70 में 60 नंबर का सॉल्व कर दिए, लगता है 30-40 आ जाएगा। अरे पास तो हो जाएंगे ना? अरे एकदम बिहारी है। अरे चलिए, कैसा गया मैम? अच्छा गया एग्जाम। एग्जाम बढ़िया गया? हाँ। कैसा पेपर था आज का? आज का ठीक ही था, बट सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर भी ठीक था, बना लिए। कितना नंबर का आप बनाए? आई थिंक बना लिए 30 नंबर अप्रोक्स बना लिए। चीट उट चला था कि नहीं चला? चीट था? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा इतना टाइट एग्जाम पता नहीं कब। एग्जाम सर एग्जाम अच्छा गया, अच्छा गया। कौन सा पेपर था सर आप लोग का? फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। सर क्वेश्चन का क्या लेवल था सर? पिछले बार एक यू था, इस बार बी यू किया है। एकदम इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम। पास तो हो जाएगा सर आराम से, आराम से। पास है लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ता वो नहीं पास होगा, जो बात है ये बात है। हाँ उसके बाद चीट उट चला था कि नहीं चला? चीट बिल्कुल नहीं चलता, 0%। जो भी इंजीनियर है वो चीट नहीं करे तो अच्छा है फ्यूचर के लिए। कर रहा था जितना दिन एग्जाम दिए, लाइटें दो घंटा लाइटें जी। टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, रोजे टेक्निकल है प्रॉब्लम, मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मैनेजमेंट का पेपर था सर? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। कैसा गया एग्जाम सर आपका? बढ़िया गया। और सुनने में आया कि बहुत हार्ड एग्जाम ले रहा है? एग्जाम तो हार्ड ले रहा है लेकिन क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है। चोरी उड़ी चला था कि नहीं चला था? नहीं, मेरा सीट आगे था। कैसा गया एग्जाम सर आपका? बहुत आप, गया। आपका कॉन्फिडेंस लग रहा है, पूरा फाड़ दिए आप? पूरा नहीं फाड़ पाए, आधा आधा फाड़ दिए। कैसा पेपर कैसा था आपका? एवरेज एवरेज था। यस। चीट उट चला था कि नहीं चला था? नहीं चला था। सीसीटीवी आगे के बैठे थे, पीछे बैठे थे आप? सीसीटीवी के पीछे है। पीछे चोरी तो किए? चोरी नहीं किए, अंदर में जो है बाहर में, जो बाहर में। क्या सर आपका एग्जाम? ठीक ठाक गया। क्वेश्चन किस लेवल का पूछा गया था सर? ठीक ही था, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सब। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल। आज किस पेपर का एग्जाम था? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें सर आप कितना मार्क्स का बनाए हैं सर?
मार्क्स क्या सब बना दिए सर कैसा गया सर अपना? बहुत बढ़िया एग्जाम गया मेरा, नोमरिकल था पूरा बढ़िया से बना दिए, एक एक आंसर और एक एक स्टेप के साथ, बहुत अच्छा गया एग्जाम। सर एग्जाम कैसा दिया जा रहा? सुनने में आता है कि सर चीट तो करने ही मौका ही नहीं दिया जा रहा चीट करने का। अरे मतलब चीट क्या करे, मतलब कि जो अब जिसको हो रहा है उसमें चीटिंग क्या करेगा, सब तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आता है प्रीवियस ईयर से ही सब। तो ठीक है सर, सर एग्जाम कैसा गया सर? मस्त गया एग्जाम। किस टाइप का क्वेश्चन है सर? पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर कितना मार्क्स का बनाए सर? 70। पास तो हो जाएगा सर आराम से? अरे 70 बनाए पास तो हो ही जाएंगे भाई। अब कर दीजिएगा सर? मुश्किल है सर। बीयू बेटर था या बीयू बेटर या एक यू बेटर? अरे ये बेटर है भाई, चोरी करने नहीं दे रहा है। क्यों, आपका एग्जाम कैसा गया सर? बहुत अच्छा। किस टाइप क्वेश्चन था पिछले बार से सर इस बार से? क्वेश्चन ठीक था, मतलब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, कुछ बुक्स से, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मतलब क्वेश्चन मिला मतलब ठीक था ना। सर ये बताइए सर, कहा जाता है कि इंजीनियर्स एक रात नहीं पढ़ता है, सर आपका क्या रिव्यू था? आप मेहनत किए थे कि 6 महीना क्या 3 महीना या 1 महीना? ऐसा कोई बात नहीं है, एक रात की पढ़ाई से नहीं होने वाला है कुछ, नहीं होने वाला, वो रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। आपको ब्रांच सर कौन सा है? मैकेनिकल। नाम सर आपका? प्रशांत कुमार। यस सर, थैंक यू सर। देख सकते हैं एग्जाम अभी खत्म हो चुका है, अभी सब निकल गए बाहर। बहुत लोग हैं कि जो कि मुकर रहे एग्जाम का रिव्यू देना नहीं चाह रहे, कैसा गया एग्जाम, किसी कोई बोलता ठीक है कोई नहीं गया है, तो हम आपको और अभी दिखाते हैं कुछ रिव्यू। चलिए दिखाते हैं आगे और एग्जाम तो बहुत हार्ड गया। सर आपका एग्जाम कैसा गया सर? हाँ सर बढ़िया गया सर। हाँ। कौन सा कॉलेज हुआ सर आपका? MBIT से है सर। कितना पेपर, कितना नंबर का मार्क्स बना लिए, कितना पेपर का? 70 मार्क्स का, 65-70 तक हो जाएगा। आप टॉप तो कर जाइएगा? टॉप पास मार्किंग आएगा। पास मार्किंग कैसा? बीयू बेटर है सर, एक यू बेटर था? दोनों सही है यार, दोनों सही है, क्योंकि सर एक यू में तो वहाँ मैनेज हो जाता था, यहाँ मैनेज नहीं हो रहा सुनने में। अच्छी बात ना यार, पढ़कर एग्जाम देगा बंदा, अच्छा से पढ़ेगा, एजुकेटेड इंजीनियर बनना चाहिए है ना। सर कैसा गया एग्जाम सर? बढ़िया सर, बताइए ना सर, मुकर क्यों एकदम मस्त गया सर? और सर बताइए सर एग्जाम का सर? देखो प्रीवियस कोई एग्जाम में प्रीवियस ईयर पढ़ के मत जाना, बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं मैथ में मत जाना, उसके अलावा सब में चले जाना। क्यों सर? मैथ में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं था? नहीं था। आपका कौन सा सर, कैसा एग्जाम गया सर? ठीक ठाक था। क्वेश्चन का क्या लेवल था सर? मीडियम। कितना मार्क्स बना देंगे सर? अरे एक्सेप्टेड नहीं करो ये सब चीज़। आपका मेहनत कितना दिन का था सर? 6 महीना का ये सर, ये इंजीनियर तो बेसिकली ये दो दिन का मेहनत था। यस सर। कैसा गया एकदम सर? अरे मजा आ गया भाई सर। कितना दिन का मेहनत है सर? इंजीनियर बेसिकली ये एक रात पढ़ता है, कल दिन में और रात में पढ़े जो बस सुबह सुबह आज बस, और इससे ही पास है सर। बी बेटर था कि सर एक ही बेटर था सर? दोनों बेटर है भाई, पढ़ने वाला के लिए कोई बेटर है कि नहीं? हाँ सर वो बात तो सर। आप कितना मार्क्स बनाया सर? हम 70-70 बना के आए हैं। टॉप तो कर जाइएगा सर, मास्टर दे दे कितना वो उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ सर वो तो है सर। थैंक यू सर। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल क्या था सर? क्वेश्चन का लेवल भाई मॉडरेट ही को अच्छा ही था क्वेश्चन। आपका पेपर कौन सा था? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा गया सर। हाँ। कितना क्वेश्चन बना, कितना मार्क्स का बनाया? 50 मार्क्स का बनाया। 50 मार्क्स है। हाँ। टॉप तो कर जाइएगा सर। टॉप कैसे, इंजीनियर तो एक दिन पढ़ के एग्जाम देता है। एक दिन के? हाँ। आपका मेहनत वही बेसिकली वही है कि एक दिन का मेहनत था? नहीं, हाँ इससे पहले भी पढ़े थे मैथ। हाँ। मैथ इंटरेस्ट लगता है इसलिए पढ़े थे। इंटरेस्ट लगता है सर। क्या लगता है सर, बी यू बेटर है या एक यू बेटर था? क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो बी यू बेटर है। बेटर है क्योंकि सर पता चलता था ये क्यों मैनेज रहता था, तो आराम से जाके कोई दिक्कत नहीं होता था। यहाँ पे चीट का कोई जुगाड़ नहीं, पूरा स्ट्रिक्ट। आपका सीट कैसा, कहाँ पे बैठा था? पीछे था। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एग्जाम कैसा गया सर आपका? बढ़िया गया। कौन सा पेपर था सर आपका? कॉम काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। ब्रांच सर आपका? मैकेनिकल। मैकेनिकल सर कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। क्वेश्चन क्या लेवल था? क्वेश्चन का लेवल ठीक था। एक यू जो पूछता था पहले, प्रीवियस ईयर से नहीं आया है कोई क्वेश्चन, प्रीवियस से कोई नहीं, सब न्यू क्वेश्चन था। आप कितना मार्क्स बनाए हैं? 70 मार्क्स। आपको लगता है कितना 70 मार्क्स? तो आराम से पास तो कर जाइएगा ना। 50 या 55 आ जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। आपका एग्जाम कैसा गया? सबसे पहले सर आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम नितेश झा है। ब्रांच सर? मैकेनिकल, थर्ड ईयर से सर। तो सर आपको एग्जाम कैसा गया? एग्जाम बहुत अच्छा गया, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ रहा है, और जो भी मतलब जो मॉडल पेपर है जैसे 2 या 3 कॉलेज का अगर मिल जाता है तो उससे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उसमें अगर स्टूडेंट अगर और भी है कोई जो मॉडल पेपर बना के जा रहे तो सारा का सर क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे वो। सर हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कितना पढ़ेंगे, हम आपसे ये पूछेंगे कितना दिन आप कि
एक शॉर्ट में बताइए कितना दिन आप बेसिकली पढ़ेंगे, 5 दिन 10 दिन मन से? नहीं, हम तो शुरू से ही जैसे सेमेस्टर के जो शुरू होता है तभी से कंटिन्यू जो है तैयारी किए हैं, उसमें कोई ये नहीं है। जैसे होता है ना लास्ट टाइम में लोड हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए शुरू से ही लगातार तैयारी करते हुए लगातार तैयारी करें। बेसिकली इंजीनियर तो एक ही रात पढ़ता है। हाँ, वो तो एक रात में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन शुरू से ही मतलब तैयारी करते हुए तो रात में ज़्यादा दिक्कत ना हो। प्रेशर पड़ता है दिमाग पढ़ने के बाद? मतलब देखिए होता क्या है ना, जैसे जो आपका ब्रांच है जैसे मैकेनिकल, उसमें आपको इंटरेस्ट है तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो जो मेरा सब्जेक्ट है मैकेनिकल का, तो पढ़ने में अच्छा लगता है, तो इसीलिए प्रेशर का मतलब ये होता नहीं है, जो मतलब प्रेशर ज़्यादा है या कम है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो अच्छा लगेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचिए सर, बी यू बेटर है कि सर एक ही बेटर था? देखा जाए तो बी यू बेटर है, मतलब बेटर है जी। बेसिकली लोग बोलते हैं एक ही बेटर था क्योंकि मैनेज रहता था, सीट आराम से जाइए। नहीं, बी यू में क्या है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम किया है, अगर थोड़ा बहुत भी लोग पढ़ते हैं तो पास हो जाएंगे, थोड़ा पढ़ते पास हो जाएंगे। ये चीज़ एक यू में क्या था, क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, तो उसमें आपको होता क्या था जो मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आप अपने कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।